स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया है, सॉल्व करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हैं, लिंक को क्लिक करके, या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे का क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कहता है, नीचे के कथनों को सही या गलत कीजिए, मतलब बताना है आपको कि यह सही है या फिर गलत है, या जो कथन दिया हुआ है इसको बताना है कि सही है या फिर गलत। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है, तो यहां पर तो ये सही कह रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पर लिख देना है सही। ठीक है, आप यहां पर ऐसे टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टिक का चिन्ह लगा सकते हैं या फिर सही लिख सकते हैं। देखिए -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है, क्यों? देखिए -1 को 1 के साथ जोड़िएगा तो 0 आएगा, बस यही तो नियम है। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ जोड़ने पर उसका योगफल 0 आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो देखिए ये 0 आ जाता है, इन दोनों को जोड़ने से 0 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है, -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है। चलिए अब आगे देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर में देखिए कहता है 23 को जोड़ेंगे -23 के साथ ना, तो इसका योगफल आ जाएगा आपका 0। तो देखिए ये भी हो जाएगा आपका सही, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये भी हो जाएगा आपका सही, क्योंकि देखिए 23 को जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और 23 बराबर देखिए 0, 23 कट जाएगा, 0 बराबर 0, 23 में 23 घट गया इसलिए 0 आ जाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सी नंबर में कहता है -11 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, तो ये तो गलत कह रहा है, किसी भी पूर्णांक को अगर 0 के साथ जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक आ जाता है, मतलब -11 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 0 आ गया है, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, ये गलत हो गया। डी नंबर में देखिए यहाँ पर कहता है 0 में अगर 7 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा सही, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाता है, तो ये भी हो गया आपका सही। आगे देखिए ई नंबर, इसमें कहता है -4 को जोड़ेंगे 6 के साथ तो -2 आ जाएगा, तो देखिए इसको हल करके दिखाते हैं आपको, -4 ब्रैकेट हटा दिए +6, तो देखिए क्या आता है, -2 आता है, देखते हैं। देखिए 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा, चिन्ह लगेगा प्लस, इधर देखिए आ गया माइनस, -2 कहाँ आया, +2 आया, इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका गलत, ये हो गया आपका गलत। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए एफ नंबर, 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए कहता है -10 को अगर जोड़ देते हैं -15 के साथ तो आता है -25, तो जोड़ के देख लेते हैं, -10 को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस सीधा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस और इधर से 15 आपका आ गया। ठीक है, तो देखते हैं -25 आ रहा है या फिर नहीं। देखिए 15 और 10 को जोड़ते हैं तो -25 आ जाता है, दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देते हैं तो -25 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है, ये सही है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है सही और टिक लगा सकते हैं, दोनों में से एक टोक किसी को लगाइए, मैंने यहाँ पर दोनों बना के दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, कर लीजिए नोट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सारणी दिया हुआ है 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर पूरा करना है, भरना है सब में, और इसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिए 5 है ना, तो 5 को यहाँ पर प्लस चिन्ह है ना, इसको जोड़ना है, ये और ये, मतलब यहाँ पर इधर जितना ये सीधा ऊपर से नीचे जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पर पूर्णांक, इस पूर्णांक को जोड़ना है यहाँ पर ऊपर पंक्ति में, ये स्तंभ है और ये पंक्ति है, तो स्तंभ का पूर्णांक को पंक्ति के पूर्णांक के साथ आपको जोड़ना है, और जो जोड़ने के बाद योगफल आएगा उसको यहाँ पर भरना है आपको। देखिए ये 5 है ना, 5 को -5 के साथ जोड़ देना है, मतलब यहाँ देखिए 5 आए
तो 5 लिख देना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, फिर इसको जोड़ देना है किसके साथ, तो इसके साथ जोड़ना है माइनस 5 के साथ। तो माइनस 5 के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए 5 प्लस माइनस माइनस और ये 5 आ गया आपका 0, बस देखिए यहाँ पर 0 भर दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए इसी तरह से आपको इसमें भी भरना है, 5 को अब जोड़ना है किसके साथ, तो माइनस 4 के साथ, इसे जोड़ चिन्ह हमेशा लगाना है। 5 प्लस किसके साथ जोड़ना है, 5 को जोड़िएगा माइनस 4 के साथ, माइनस 4, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 4 घटेगा तो आ जाएगा आपका 1, देखिए 1 यहाँ पर भर दिया है, पहले एक पंक्ति यहाँ पर बना के आपको दिखा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, 5 को फिर जोड़ना है, 5 को जोड़ना है किसके साथ, देखिए 5 को जोड़ना है अब माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2 के साथ जुड़िएगा तो क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हट जाएगा, तो 5 में 2 घटेगा तो आ जाएगा आपका 3, देखिए 3 आ गया। अब चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, 5 को आपको जोड़ना है 0 के साथ, तो 5 को जोड़ देना है 0 के साथ, यहाँ पर देखिए 0 है ना, 5 को जोड़ दे 0 के साथ, देखिए क्या आएगा, तो 5 0 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 भरा हुआ है। आगे आप देखते हैं दूसरा, 5 को जोड़ना है 3 के साथ, तो 3 के साथ जुड़िएगा कितना आएगा, 8 आएगा, 8 यहाँ पर भरा हुआ है पहले से, ठीक है। अब आगे 5 को जोड़ना है 6 के साथ, तो 5 और 6 कितना हो गया, देखिए 5 6 आ जाएगा आपका 11, 11 भर दिया है। बस उसी तरह से यहाँ पर अब 4 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ, ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है। अब 4 को जोड़ना है किसके साथ, माइनस 5 के साथ, माइनस 5 के साथ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उल्टा घट जाएगा, 5 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 1, मतलब माइनस 1 आ जाएगा, तो आपको भरना है यहाँ पर माइनस 1, ठीक है। 4 को प्लस किए माइनस 5 के साथ, तो यहाँ पर आपको भर देना है जितना आंसर आएगा। अब माइनस 5 नहीं, अब आएगा आपका 4 को जोड़ना है माइनस 4 के साथ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में 4 घट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 0, तो आपको यहाँ पर भर देना है 0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस 2 के साथ जोड़ देना है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा तो बच जाएगा आपका 2, 2 बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है 2। अब आगे 4 को जोड़ना है 0 के साथ, तो देखिए 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 भर देना है। अब आगे फिर जोड़ते हैं 4 को 3 के साथ, दायरे में कर देते हैं, देखिए 4 3 7, 4 और 6 10, यहाँ पर आपको भर देना है 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर 2 है, 2 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ, 2 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उल्टा घट जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है माइनस 3। अब 2 को जोड़ना है माइनस 4 के साथ, तो माइनस 4 के साथ यहाँ पर माइनस 4 लिखिएगा तो क्या होगा, इधर से घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर से घटेगा तो माइनस 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है माइनस 2। अब 2 को, अब ये वाला देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे, 2 को जोड़ना है 2 माइनस 2 के साथ, 2 को जोड़ देना है माइनस 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ से आपका आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को 0 के साथ जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसका सीधा में 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में 0 जोड़ने से 2 ही हो जाएगा। 2 को जोड़िए, 2 को जोड़ना है 3 के साथ, तो 2 3 5। अब 2 को जोड़ देना है 6 के साथ, तो 6 2 8 हो गया। अब आगे देखिए 0 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 से जोड़ना है किसको, देखिए 0 इस घर को भरना है ना, इसके ऊपर में देखिए कौन है, माइनस 5, तो माइनस 5 लिखना है, तो 0 में किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो वही 2 आ जाता है, माइनस 5, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा। अब 0 में जोड़ना है, देखिए इस घर में लिखना है तो इसके ऊपर में देखिए कितना है, माइनस 4, तो यहाँ पर माइनस 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में माइनस 4 अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 ही होता है। किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़िएगा तो बस वही संख्या आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है तो इसके ऊपर में देखिए माइनस 2 है, तो 0 में माइनस 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस 2 ही होगा, तो यहाँ पर आपको माइनस 2 लिख देना है। अब यहाँ पर इस घर में लिखना है तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 प्लस यहाँ पर कितना, 3, तो 3 होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 0, 0 को जोड़िएगा 6 के साथ तो 6 ही होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब माइनस 3 को अब जोड़ना है किसके साथ, माइनस 5 के साथ, माइनस 3 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ, देखिए माइनस 3 है यहाँ और इस घर में लिखना है तो माइनस 5 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा, माइनस 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो जुट जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे माइनस 3 को जोड़ना है किसके साथ, माइनस 4 के साथ, तो 4 3 7, माइनस 7 हो जाएगा।
माइनस तीन को जोड़िएगा यहाँ पर माइनस दो के साथ, तो तीन दो पाँच, माइनस पाँच यहाँ से हो जाएगा। अब माइनस तीन को जोड़ना है किसके साथ, जीरो के साथ, तो कितना हो जाएगा, माइनस तीन ही होगा। ठीक है, किसी भी पूर्णांक को जीरो के साथ जोड़ने से वही पूर्णांक हो जाता है। माइनस तीन को जोड़ना है अब तीन के साथ, तो देखिए माइनस तीन को जोड़ना है तीन के साथ, तो यहाँ से देखिए अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो। तीन में तीन घटेगा तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से जीरो। अब माइनस तीन में आपको जोड़ देना है यहाँ पर छः के साथ, तो छः के साथ जोड़िएगा क्या होगा, उल्टा घट जाएगा, आ जाएगा आपका प्लस तीन। इधर छः बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह प्लस है, प्लस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ से आ गया आपका तीन। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है यहाँ पर माइनस छः। माइनस छः को यदि हम लोग जोड़ते हैं माइनस पाँच के साथ, इस घर में लिखना है ना, तो माइनस पाँच के साथ जोड़ना पड़ेगा। माइनस छः को जोड़ना पड़ेगा आपको माइनस पाँच के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, छः पाँच ग्यारह, माइनस में ग्यारह हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस छः और यहाँ पर माइनस चार, तो माइनस छः चार कितना हो गया, माइनस दस। माइनस छः और यहाँ पर देखिए माइनस दो, तो छः दो आठ, माइनस आठ। छः और यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर माइनस छः और यहाँ पर जीरो, तो माइनस छः होगा, क्योंकि माइनस छः को जीरो के साथ जोड़िएगा तो वही पूर्णांक आ जाएगा माइनस छः। अब यहाँ पर माइनस छः को जोड़ना है आपको तीन के साथ, तो माइनस छः को जोड़ना है तीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग चिन्ह घटेगा और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, मतलब छः का चिन्ह लगेगा, मतलब माइनस तीन हो जाएगा। छः में तीन घटेगा तीन, और छः का चिन्ह माइनस है बड़ा संख्या का, तो माइनस चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ से आ गया कितना, माइनस तीन, तो यहाँ से माइनस तीन आपको लिख देना है। आगे माइनस छः को जोड़ना है किसके साथ, तो छः के साथ। माइनस छः को जोड़ना है छः के साथ, अलग अलग चिन्ह और संख्या एक जैसा, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। छः में छः घटेगा तो आ जाएगा आपका जीरो, तो यहाँ से आपका आ गया जीरो। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो सारणी दिया हुआ था इसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से भर लिए हैं। अब क्या है, यहाँ पर कहता है ए नंबर का क्वेश्चन में कहता है पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग जीरो है। मतलब कौन सा दो पूर्णांक को जोड़ने पर जीरो प्राप्त हुआ, उस दोनों जोड़ा को लिख देना है, उसी युग्म को लिखना है। युग्म मतलब जोड़ा। तो देखिए जीरो कहाँ पर आया है, देखिए यहाँ जीरो आया है ना, जीरो कैसे आया, तो पाँच को हम लोग जोड़े हैं माइनस पाँच के साथ। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने से ही जीरो आता है, तो कौन सा देखिए, तो आपको लिख देना है यहाँ पर पहले पाँच और माइनस पाँच को, ये दोनों को जोड़ने से जीरो आया। और फिर कहाँ जीरो आया है, तो इसमें तो अब जीरो नहीं आया है, अब इसमें यहाँ आया, देखिए ये प्लस चार और माइनस चार, तो आपको लिख देना है यहाँ पर प्लस चार और माइनस चार, तो यहाँ पर प्लस देने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पहला युग्म, ये दूसरा युग्म। और फिर आगे देखिए, आगे जीरो कहाँ आया है, तो यहाँ पर ये दो को और माइनस दो को, तो दो हो जाएगा और माइनस दो हो जाएगा। ये पहला युग्म, ये दूसरा युग्म, ये तीसरा युग्म। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है जीरो को और जीरो को जोड़ने से आ गया जीरो, तो जीरो जीरो ले लेना है आपको। उसके बाद देखिए आगे फिर जीरो कहाँ आया है, यहाँ पर, मतलब माइनस तीन को और तीन को, माइनस तीन और प्लस तीन, तो सीधा सीधा तीन लिख देते हैं। ठीक है, माइनस तीन और प्लस तीन को जोड़ने से जीरो प्राप्त हुआ था। आगे देखिए माइनस छः और यहाँ पर देखिए जीरो प्राप्त हुआ किसको जोड़ने से, तो प्लस छः, माइनस छः और प्लस छः, यहाँ पर लिख देना है माइनस छः और प्लस छः। ठीक है, तो इस तरीके से ये युग्म कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः युग्म हो गया टोटल। आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, जैसे एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीसरा हो गया युग्म, ये चौथा युग्म, ये पांचवा युग्म हो गया, और ये छठा युग्म। टोटल छः युग्म मिला, जिसका जो है ना क्या, योग करने पर जीरो प्राप्त होता है। तो देखिए ये ए नंबर का क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे बी नंबर, देखिए क्या कहता है इसमें, क्या जीरो को अगर जोड़ देते हैं माइनस चार के साथ तो माइनस चार प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जीरो को हम लोग जोड़ दिए किसके साथ, माइनस चार के साथ, तो क्या माइनस चार प्राप्त हुआ है, तो हाँ प्राप्त हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, हाँ प्राप्त होता है। ठीक है, जीरो को जोड़ देते हैं माइनस चार के साथ तो माइनस चार प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को या फिर पूर्णांक को जोड़ दीजिए जीरो के साथ, तो बस वही चीज, वही पूर्णांक आ जाता है। तो यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है। आगे देखिए यहाँ पर कहता है जीरो को यदि हम लोग जोड़ देते हैं जीरो के साथ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो आपको यहाँ पर जीरो भर देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हल लिखना है और जीरो लिख देना है, ठीक है। डी नंबर में देखिए, माइनस तीन को यदि हम लोग जोड़ते हैं माइनस चार के साथ तो क्या होता है, तो देखिए माइनस तीन को जोड़ देते हैं माइनस चार के साथ तो क्या हो जाता है, इसको हल करके दिखा देते हैं। तो माइनस तीन प्लस चार हो जाएगा आपका माइनस सात, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस सात। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, माइनस सात हो गया इसका आंसर। आगे देखिए यहाँ पर माइनस छः को जोड़ते हैं तीन के साथ, तो देखिए माइनस छः को तीन के साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा, जुटेगा नहीं, ये माइनस चिन्ह नहीं रहता तब तो छः और तीन नौ हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह होने के कारण यहाँ पर छः में तीन आपका घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटता है और बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, तो छः में तीन घटेगा तो कितना जाएगा, यहाँ से आएगा आपका तीन, ठीक है, तीन आ जाएगा और चिन्ह लगेगा इस बड़ा संख्या का माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है माइनस तीन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, माइनस तीन हो जाएगा। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपना कॉपी पर, कर लीजिए नोट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का 9 नंबर, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, कदा चित्र की सहायता से योग ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ योग कर देना है, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस पांच है, इसको जोड़ देना है माइनस तीन के साथ, कितना आंसर आएगा इसको लिख देना है। तो देखिए प्लस पांच और यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस तीन, प्लस माइनस माइनस हो गया और तीन बाहर निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए पांच में ये प्लस चिन्ह हटाए थे, यहाँ पर पांच में तीन घटेगा आ जाएगा आपका दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, दो आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए बी नंबर, देखिए इसमें भी आपको सॉल्व करना है, माइनस पांच है ना, इसको बाहर निकाल के रखिए, प्लस प्लस को गुना कीजिएगा प्लस होगा और यहाँ से आपका आ गया दो, तो अलग अलग चिन्ह है घट जाएगा, बड़ा बड़ा संख्या का चिन्ह लग जाएगा, पांच में दो घटेगा तीन आ जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको सॉल्व करना है, माइनस तीन को बाहर निकालना है, प्लस माइनस गुना करने से माइनस हो जाता है, यहाँ से आ गया आपका दो, ठीक है। देखिए इस तरीके से प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस हो जाता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर माइनस, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये चिन्ह का परिपाठी को याद रखना है कि यदि अलग अलग चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस होता है, और अगर एक जैसा चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है, एक जैसा चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस होता है, अलग अलग चिन्ह गुना करते हैं तो माइनस होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बस वही करते हैं, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस तीन बाहर आ गया। अब इसको देखिए, एक जैसा चिन्ह है दोनों को जोड़ देंगे, तीन दो पाँच हो गया और माइनस चिन्ह लगा देंगे, बस हो गया इसका आंसर माइनस पाँच। आगे देखिए यहाँ पर जो है ना डी नंबर का, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए प्लस दो है, प्लस दो बाहर आ जाएगा, प्लस प्लस गुना करने से देखिए क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस प्लस गुना करने से प्लस, तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्लस और यहाँ से आपका लिख देना है चार। तो देखिए यहाँ से अब इसको जोड़ देते हैं, चार दो छः हो गया, प्लस चिन्ह लगा देते हैं, प्लस चिन्ह नहीं भी लगाइएगा फिर भी सही होगा क्योंकि प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए आप अब इसको नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसका अगला एक्सरसाइज को लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।